रहता है, ना पौधे पर पुष्प आता है, ना कहीं फल आता है। सब वीरान हो गया आश्रम और चट्टान में पड़ी हुई माँ प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम जी ने कहा, गुरु जी मुझे इधर जाना है। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आप धन्य हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव इस पर तो किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ती है, तो तुम्हारा मन कैसे हो गया इधर जाने का, तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई। तो श्री राम जी ने बहुत सुंदर बात कही, बोलो गुरुजी मेरा यही तो स्वभाव है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ मैं देखता हूँ, जिसको सबने त्यागा रहता है उसको मैं अपनाता हूँ, जिसकी तरफ से सबने मुंह मोड़ लिया है उसकी तरफ मैं मुंह उसका उसकी तरफ देखता हूँ, उसको मैं शरण में लेता हूँ, इसीलिए मेरा स्वभाव ही यही है गुरुजी। और फिर भी मुझे तो इस आश्रम में ऋण को भी चुकाना है, इसलिए मैं जाता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि आप भी ऋणी होते हो? तो श्री राम जी ने कहा मैं भी ऋणी रहता हूँ। कैसे? बोले ज्ञानी लोगों कहते हैं कि मुझे ना आपसे लेना ना मुझे आपको देना, तो मैं भी कह देता हूँ कि मुझे भी आपसे ना लेना और ना देना है। लेकिन मेरा भक्त सदैव कहता है मुझे लेना भी है मुझे देना भी है, मुझे आपको देना भी है। तो मैं भी मेरे भक्त से कह देता हूँ मुझे लेना भी है मुझे देना भी है, मुझे लेना भी है मुझे देना भी है। भक्त कहता है कि मुझे तो लेना भी देना भी है, तो मैं भी कह देता हूँ मुझ जो को भी तुझे लेना भी है और तुम्हें देना भी है। काम क्या करते हो श्रीमान जी? कहते बस इधर से लेता हूँ इधर को पटक देता हूँ, ट्रांसफर करता रहता हूँ इधर उधर। द्रौपदी जी की जब साड़ी बड़ी तो बोले वृंदावन वासी ने पूछ लिया कि क्यों रे कन्हैया ईमानदारी से बताओ उस दिन इतनी साड़ी कहाँ से लाए थे? बाल सखा कभी कन्हैया को भगवान नहीं मानते, बस तू बता दे साड़ी कहाँ से लाया है। तो कन्हैया ने कहा देखो ऐसा है कि तुम लोगों ने देखा होगा ना कि मैं गोपियों जब स्नान करने के लिए जाती थी चीर घाट पर यमुना जी के किनारे, तो मैं वहां पेड़ के आड़ में छुप छुप करके क्या करता था? 5 वर्ष के लाला थे कन्हैया। बोला हाँ चोरने की आदत तो तुम्हारी बहुत है। तो बोले तब काओ मैंने सारी गोपियों की जो साड़ियां चुराई थी ना, तो उधर से चुरा 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 के मैंने ढेर सारा ढेर इकट्ठा कर लिया और उधर से चुराई, और इधर जब द्रौपदी ने आवाज लगा दी तो मैंने वही साड़ी में साड़ी साड़ी में साड़ी साड़ी में साड़ी जोड़ करके द्रौपदी को दे दी है। श्री राम जी कहना ये चाहते हैं कि अगर मैंने दिया और मेरे देने के बाद में अभिमान आ जाता है तो उधर से मैं छीन करके इधर वाले को डाल देता जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जो सहज है, तो इधर का उधर करता रहता हूँ, उठा पटक ये मेरा फैक्ट्री है ये काम काज है, तो मेरा ऋण है यहाँ पर। विश्वामित्र जी का यहाँ ऋण कैसा है? तो श्री राम जी ने कहा कि यहाँ भी मेरा ऋण है। क्या ऋण है? बोले सतयुग में एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट किया था। सतयुग में मैं पत्थर में छुपा था। हिरण्यकश्यप ने पूछा श्री प्रहलाद जी से कि बताओ इस पत्थर के खंभे में तुम्हारे भगवान है? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ पिताजी इस पत्थर के खंभे में भी मेरे भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही गदा का प्रहार किया खंभा टूटा और श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। तो जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए पत्थर की मूर्ति बना करके पूजने की जो परंपरा किसने शुरू की? श्री प्रहलाद जी ने शुरू की है कि पत्थर के खंभे में भी भगवान को प्रकट कर दिया है। भाव हो तो मूरत बोले काट की, और अगर भाव नहीं है तो भले ही बैंड बाजे बजा के आरती उतारो या 56 से भी ज्यादा भोग लगाओ, ना तो वो खाएंगे और ना वो सुनेंगे, भाव होगा तो सुनते हैं। तो मूर्ति में भी जब तक कहेंगे कि मूर्ति पीतल की और ये है वो है तब तक वो नहीं रहेंगे, लेकिन मान लेंगे कि इसमें हमारा ईश्वर हमारा ठाकुर है तो उस दिन से भगवान वहां विराजने लग जाते हैं। तो श्री प्रहलाद जी के बारे में राम जी ने कहा कि सतयुग में एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट किया, तो आज त्रेता में पत्थर में छुपी एक भक्त को प्रकट करके मैं प्रहलाद के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। उस समय मैं छुपा था, आज अहिल्या जी छुपी है पत्थर में। श्री राम जी तुरंत अंदर आए और जैसे आश्रम में श्री राघव ने प्रवेश किया, गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। श्री राम जी से कहा कि राघव चरण रज चाहती आप अपना चरण पधराओ। श्री राम ने चरण उठाया और उठाते समय रघुवंश की परंपरा याद आ जाती है कि मेरे वंश की परंपरा है कि माताओं पर
सारी माँ को, सारी नारियों को माँ की दृष्टि से देखते हैं, इतना ऊंचा सम्मान देते हैं, तो मैं भले ईश्वर हूँ पर मेरा अवतार रघुवंश में हुआ है और मेरे वंश के हिसाब से मैं इन पर अगर चरण रखूंगा तो बहुत बड़ा इनका अपमान हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो श्री राम जी ने प्रार्थना की कि मैया मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके ऊपर चरण नहीं रखूंगा, केवल हाथ का स्पर्श कर दूं तो भी आप पावन हो जाओगे, क्योंकि मेरे तो सर्वांगम से कृपा होती, ये जरूरी नहीं कि चरण का स्पर्श कराऊं तो ही आप पावन होंगे, हाथ का स्पर्श करा दूं। तो मैया ने कहा रोते हुए कि प्रभु सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण इस प्रकृति में, इस मनुष्य जीवन में रहते हैं, मेरा जो रजोगुण था वो रज से जुड़ गया है, काम ने मुझ पर आक्रमण किया इंद्र की आड़ से, तो मैं काम को नहीं पहचान पाई, इंद्र को नहीं पहचान पाई और काम के जाल में फंस गई, इसलिए मुझे श्राप मिला। तो प्रभु मैं अपने रजोगुण को आपके चरणों की रज से ही जोड़ना चाहती हूँ, इसलिए आप कृपा करिए प्रभु और अपने चरणों की रज ही मुझे प्रदान करो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले
राम जी ने मैया से कहा कि मैं हाथ का स्पर्श करूं तो भी आपका उद्धार हो जाए, तो क्या हाथ का स्पर्श कर दूं? तो श्री माँ अहिल्या ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपके चरण रज ही चाहिए, वही प्रदान करो। तो श्री राम जी ने तुरंत अपना चरण ऊपर किया, पवन का झोंका चला और रज जैसे गिरी पत्थर पर तो अहिल्या जी उसी समय प्रकट हो गई है। और जैसे अहिल्या माता प्रकट हुई, मैया ने अपने अश्रु बिंदु से श्री राम जी के चरणों का प्रक्षालन किया और प्रसन्न होकर के अहिल्या माता ने कहा कि प्रभु आपके विषय में मैंने हर बार सुना था कि निर्बल के बल श्री राम, निर्बल के बल श्री राम, लेकिन आज मैंने जान लिया कि निर्बल के बल श्री राम है। शिव जी पर भी काम ने आक्रमण किया था पत्ते का के आड़ से, तो शिव जी समर्थवान है, उन्होंने पत्ते के आड़ से काम को देख करके तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके राख कर दिया। वो समर्थवान है, लेकिन फिर भी आपने उनको अपने चरणों से निकली गंगा जी प्रदान की, लेकिन मेरे प्रभु मेरे ऊपर काम ने इंद्र का आड़ लेकर के आक्रमण किया, मैं काम को नहीं पहचान पाई और जाल में फंस गई, मैं असमर्थवान हूँ निर्बल थी, लेकिन फिर भी शिव जी को चरणों से निकली गंगा प्रदान की और मुझे तो आपने अपना चरण ही प्रदान कर दिया है, इसीलिए निर्बल के बल श्री राम जी है। राम जी ने माता को आशीर्वाद दिया है मन ही मन में, चूंकि ऊपर से मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैया को पति धाम प्रदान कर दिया और श्री राम लक्ष्मण लाल जी गुरु जी के साथ में गंगा जी में आते हैं, स्नान करते हैं, गंगा मैया को पार किया और अब मिथिला की सीमा में श्री महाराज विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया है। तो श्री महाराज विश्वामित्र जी बार बार कहते हैं कि लक्ष्मण और राघव ये जो मिथिला है ना, यहाँ के सारे लोग योगी हैं, अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, कोई भी यहाँ पर खराब है ये नहीं, इतनी इतने महान सब लोग यहाँ के हैं। पूरे नारी नारी सुभग सूची संता, सुनते जा रहे। मिथिला की बगिया आ गई, गुरु जी ने यहाँ रुके हैं और सबको सूचना दी है कि महाराज जनक जी से कहना कि विश्वामित्र जी पधार चुके हैं। जनक जी तुरंत अपने मंत्रियों सेना से गुरु जी की आगवानी करने के आते हैं। तब तक श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी का कि गुरु जी आप बैठिए, तनिक हम मिथिला की ये बगिया को देख करके आते हैं। तो कहा ठीक है। अब दोनों भाई बगिया देखने के लिए चले गए और इधर गुरु जी के पास में जनक जी आ गए, चरणों में प्रणाम किया। जनक जी ने कुशल समाचार पूछे और इन्होंने कहा और आपस में बात चली रही थी, उसी समय श्री राम जी आकर के खड़े हो गए। तो जनक जी की दृष्टि श्री राम जी पर पड़ी तो पड़ी की पड़ी रह गई। जनक जी श्री राम जी को देखे जा रहे हैं, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। और वैसे जनक जी है क्या, योगी है, ज्ञानी है, इन्हें आंसू नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे प्रेम अनुराग के आंसू आ गए। अब प्रेम स्वरूप ही सामने प्रकट हो गए तो आंसू तो आना है। महाराज जनक जी की आंखों में आंसू आ गए और महाराज जनक जी ने प्रश्न किया, गुरु जी ये जो सामने खड़े नीलमणि ये कौन है? मेरा मन परम योगी है, बैरागी है मेरा मन, दुनिया तो क्या स्वर्ग की भी कोई वस्तु आ जाए तो मेरा मन उसमें आसक्त नहीं हो सकता, लेकिन इसको देख करके मेरे मन में अनुराग प्रकट हो रहा है, मेरे आंखों में प्रेम के आंसू आ रहे हैं, तो ये कौन है जो मेरे सामने खड़े हैं? तो गुरु जी बेचारे कहने लगे, लक्ष्मण लाल जी ने तुरंत दाएं चरण पर हाथ रख दिया। तो गुरु जी ने लक्ष्मण लाल जी की तरफ देखा, बोले क्या बात है? तो आंखों ही आंखों में लक्ष्मण लाल जी का, आप नहीं बताओ? बोले क्यों? बोले जब से आश्रम से चले हैं
एक ही बात करे जा रहे हो आप कि जनक जी योगी है, जनक जी ज्ञानी है, जनक जी योगी है, जनक जी ज्ञानी है। तो गुरु जी, मैं तो ज्ञानियों का ज्ञान तभी मानता हूँ कि जब उस ज्ञानी के सामने मेरे प्रभु आ जाए और वो पहचान जाए, तब तो वो ज्ञानियों का ज्ञान काम का है, नहीं तो फिर वो कोरा कागज है। तो बड़ी बड़ाई करे जा रहे थे लक्ष्मण लाल जी को, राम जी कला को अच्छा नहीं लगता है, तो बोले बड़ी तारीफ इनकी करे जा रहे थे, पहचाने तो इनको कि सामने कौन है, तभी मैं मानू कि ज्ञानी है। तो श्री गुरु जी का कहता, तुम परीक्षा लेना चाहते हो एग्जाम, ठीक है ले लो। तो जनक जी बोले जा रहे, प्रभु कौन है बताइए, गुरु जी कौन है, ये वही साक्षात, ये कौन है जो इनको देख करके मेरा मेरे मन में अनुराग प्रकट हो रहा है। और करते 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 आखिर में बोल पड़े क्या, किनारे पहुंच गए हैं, ज्ञानी समझ में आ गया है, अब आप बता सकते हो। तब श्री गुरु जी ने कहा, अब गुरु जी बेचारे ठहरे संत, गुरु जी तरह भाव में डूब गए, बोले हाँ हाँ राजन ये है ना साक्षात। तो राम जी ने कहा कि ये भी बाबा पोल पट्टी खोलेगा और सारी गड़बड़ कर देगा। तो साक्षात करा, तो राम जी ने धीरे से गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी की दृष्टि राम जी पर पड़ी, राम जी ने धीरे से मुस्कुरा दिया। अब ये श्रीमान जी जब मुस्कुराते हैं ना जी, तो बड़े बड़े की जो ट्रेन कितनी भी फास्ट जाए, पटरी से उतरना फाइनल है। तो राम जी की ने जैसे देखा गुरु जी की तरफ, गुरु जी कहे जा रहे साक्षात ब्रह्म है, और उससे पहले राम जी ने मुस्कुरा दिया। तो गुरु जी बेचारे जो बोले जा रहे थे वो तो भूल गए और कहने लगे हाँ ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लाल है और मेरा यज्ञ संपन्न करवाने आए है, और यहाँ भी मैं इनको लेकर के आ गया हूँ, राम जी का बस अब मेरा काम बन गया है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, राजा जनक जी भी प्रसन्न हो गए और दोनों भाइयों को लेकर के चले। महाराज जनक जी ने देखा कि अगर गुरु जी आप अकेले आते तो साधु संत तो आपको कुटिया पसंद है, मैं बनवाता, लेकिन आप अयोध्या के मेहमान के साथ आए हो तो कुटिया में मैं नहीं रख सकता, इसीलिए आप महल में चलिए। कौन से महल में? तो श्री सियाजू का जो महल है वहां पर श्री राम जी रुके हैं। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी क्या है? भक्ति स्वरूपा है। लक्ष्मण लाल श्री जनक जी ने भक्ति की खोज करी थी, तो भक्ति आ जाए हृदय में और हृदय में आ जाए फिर भक्ति, और भक्ति में बैठ जाएंगे श्री राम जी, तब हमारा काम बन जाएगा। तो आज महाराज जनक जी को भक्ति तो पहले ही मिल गई थी, भक्ति के भवन में श्री राम जी का निवास हुआ है। श्री राम जी और कहीं नहीं रह सकते, भक्ति के भवन में रहते हैं। इसलिए सियाजू की व्यवस्था तो दूसरे महल में हुई और भक्ति के महल में श्री राम जी का पदार्पण हो गया है। अब श्री राम लक्ष्मण लाल जी गुरु जी सब जनकपुर में विश्राम करते हैं, कल विवाह करना है, इसलिए प्रेम सहित भाव से समय पर आना है। हाँ बीच में आ जाती हो और इधर इधर भागती हो ना उधर भागती हो, सब डिस्टर्ब करती हो माताओं, इसलिए समय पर आओ, थोड़ा काम है, जल्दी जल्दी उठ करके जल्दी जल्दी कर लो। और जो पी
पीछे आना तो नियम है कि पीछे से आकर के धीरे से इधर आ जाओ और धीरे से आराम से बैठ जाओ, इधर आगे नहीं आना है। ये मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है नोएडा की माताओं, इसलिए कल से नियम का पालन करना है। ठीक 11 बजे से 2 बजे थोड़ी देर कीर्तन करें, तब तक आरती वाले आरती की तैयारी करें। राधा राधा।